वो देखो आ रहा है अंग्रेजों के जमाने का जिलर दिमाग चाटने के लिए। लेफ्ट राइट हॉट ओके। ये कांदा कैसे दिया? 40 रुपए किलो। ये बटाटा 30 रुपए किलो। क्या लूट मचा रखी है, इतना महंगा सब कुछ। अंग्रेज के जमाने में सब कुछ कितना सस्ता था। अरे साहब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का जमाना चला गया। लेकिन कांदा बटाटा तो नहीं गया ना? नहीं चलेगी ये लूट मार, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जानता है सब्जी वाले, जब मैं रामगढ़ का जेलर था दो आना किलो कांदा और एक आना किलो बटाटा मिला करता था, मेरे सारे कैदी कितने खुश थे। क्या फोकनार की मारते हो जेलर? ना दारू ना ही बीड़ी। खामोश, जानते नहीं हम कौन हैं? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। कभी हमारी जेल में आए हो? कई बार। याद नहीं है हम दोनों आपकी जेल से भाग गए थे? हम दोनों मतलब जय वीरू। यस सर। मिल गए, मिल गए, इतने दिनों के बाद मिल गए, अब नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गए? जय वीरू, वीरू जय। अरे साहब कहाँ खो गए, क्या दूं? दो किलो चाय वीरू। क्या? नहीं, एक कांदा, दो बटाटे, तीन टमाटर पैक करके रखना, कल ले जाऊंगा। बदतमीज। हे 1857 की 56 छुरी, तेरा कोई कैरेक्टर वैरेक्टर है कि नहीं? उल्लू की पट्टी क्यों सरकार की तरह गिरती है बार बार? अरे हवलदार ये खटारा बेच क्यों नहीं देते, ये तो चलने के बजाय बार बार गिरते ही रहता है। खामोश, ये अंग्रेजों के जमाने की साइकिल है जो जाते जाते अंग्रेजों ने हमारे बाप को दी थी, जो अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे। आज जब हम इस साइकिल पर बैठकर शहर से गुजरते हैं तो लोग चिल्लाकर कहते हैं कि वो जा रहा है हवलदार बुलेट सिंह। जो पहले इंस्पेक्टर था आज हवलदार। खबरदार, ड्यूटी पर गाली मत देना पांडू, वरना मैं तेरे बाप का नाम चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा। क्या इंस्पेक्टर साहब? अटेंशन। क्या बात है बुलेट सिंह, क्यों तमतमा रहे हो? क्या बताऊं मैडम, अपने बाप के गुनाहों की सजा मैं भुगत रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? मेरा बाप एक जेलर था, वो भी अंग्रेजों के जमाने का जेलर। मेरी बदकिस्मती थी कि उसकी जेल से वीरू और जय नाम के दो टपोरी इसी साइकिल पर बैठकर भाग गए थे। उस सदमे से मेरा बाप पागल हो गया और उनको सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने मेरे बाप का गुस्सा मुझ पर उतारा, मेरी इंस्पेक्टर की वर्दी उतारकर हवलदार की वर्दी पहना दी, वरना ये बुलेट सिंह आज किसी थाने का थानेदार होता। एक दिन तुम जरूर थानेदार बनोगे बुलेट सिंह, सब्र करो। मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल, सबर के फल नसीब के झाड़ पे लड़क लड़क के सड़ गए मैडम, सड़ गए। यह डाकू सुधर के लीडर बन गए, मगर न मेरा बाप सुधरा, न मेरा नसीब, न ये साइकिल। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर आए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे? हाँ बच्चे लोग एक एक करके बाहर आओ। गुड मॉर्निंग दादाजी। वाई दादाजी? कहो जेलर दादाजी। ये जेल नहीं घर है। नहीं, ये घर नहीं, हमारी जेल है। जहाँ जेलर जेल सिंह रहता है वो जगह ऑटोमेटिकली जेल बन जाती है। तुम लोग आज स्कूल नहीं गए? आज संडे है। क्या संडे है, क्या मंडे है, क्या रेनी डे, स्कूल है कि तमाचा है? नॉनसेंस। बहु 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 रानी कहा है? अपने राजा के साथ संडे मना रही है। आए। सीटी डबरी डबरी उठ, मेरे बाप ने सीटी बजा दी है। ओहो
तुम्हारा बाप बुढ़ापे में भी सीटी बजाता रहता है। पागल है मेरा बाप, पागल है। चल क्या कर रहा था? ये अंदर की बात है। निर्लज्ज, अंडरवियर और बनियान पहनकर कब तक अंदर की बात करता रहेगा? ये आधा दर्जन नमूने पैदा करके तेरा मन नहीं भरा? कल से तू मेरे साथ सोया करेगा, मेरे पलंग पे। हाँ, तुम्हारे पलंग पे। तू मेरा बाप है कि जल्लाद? निष्ठुर, क्यों मेरी जिंदगी पर गोबर लीप रहा है? हाँ, खामोश। गधे की औलाद बाप से जबान लड़ाता है। मुझे तो शक होता है कि मैं तेरा बाप हूं भी कि नहीं। काश ऐसा होता, वरना आज मैं तुम्हारे सामने इस अंडरवियर बनियान में खड़ा नहीं होता, किसी थाने का थानेदार होता। मगर क्या करूं, शक्ल से मजबूर हूं। मजबूरी में तुमको अपना बाप मानना पड़ रहा है, वरना दुनिया जानती है कि वीरू और जय कैसे भागे थे तुम्हारी जेल से। नाश पीटे, क्यों बाप के जले पर टाटा का नमक डालकर बाटा के जूते मार रहा है? देखना, एक दिन उन दो लफाड़ियों जय और वीरू को नहीं धर दबोचा तो हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। अंग्रेज चले गए, पता नहीं क्यों कश्मीर के मसले की तरह तुम्हें छोड़ गए हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए। बैड नाइट। हट। उफ, इन बाप बेटों के रोज के झगड़ों से मैं तो तंग आ गई हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब आपके सामने दिखा रहे हैं राजकुमार जी की एक्टिंग। जरा आप लोग जोरदार ताली तो बजाइए। ए बजाइए ना प्लीज। थैंक यू। तो लीजिए राजकुमार जी की एक्टिंग। डीके, हम राजकुमार हैं। जानी, इस दुनिया में तो सिर्फ दो हैं, एक है ऊपर वाला और दूसरे हम। तालिया। बाबा, आप लोग बाबा थोड़ा सा रुकिए, बस हम यूं गए और यूं आए। ओके। जय, मैं बसंती से बहुत प्यार करता हूँ। भाई, बसंती से प्यार करते हैं तो आप करते हैं, मैं तो नहीं। जय, मैं उससे लगन करना चाहता हूँ। हाँ, लगन होगा, लेकिन आपका होगा। जय, तू क्यों नहीं समझता कि शादी के बाद 7-8 बच्चे होंगे? 7-8 बच्चे होंगे भैया, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई, लेकिन वो आपके होंगे, माफ कीजिएगा। लेकिन चाचा चाचा तो तुझे ही कहेंगे ना, प्यार से तेरी बाहों में झूला झूलेंगे और तोतली आवाज में कहेंगे ताता ताता हमें कहानियां सुनाओ। तो इसका मतलब वीरू भैया ये हो गया कि हमें आपके घर में आया की नौकरी मिलने वाली है, क्यों आए? समझा, तू मेरा वो दोस्त नहीं रहा। लानत है ऐसी दोस्ती, महंगी है। मेरे माँ बाप होते तो मौसी के हाथ पैर जोड़कर मेरी शादी कर चुके होते। जय, ये मत समझ, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भगवान। दोस्तों, फिल्म शोले में अंग्रेजों के जमाने का बेवकूफ जेलर तो आप लोगों को याद होगा। पता नहीं वो अंग्रेजों के जमाने का जेलर कब का मर खप गया होगा। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हम जिंदा हैं। अरे मर गया भाई। ये कौन है भाई? बात हो गया तमाशा। जय और वीरू, 1975 से मैं तुम दोनों को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा हूँ। आज आए हो कबूतरों मेरी पकड़ में। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हम आसानी से किसी को छोड़ते नहीं हैं। खामोश, खामोश। ये क्या बार बार तालियां बजा रहे हो? तुम पब्लिक को तालियां बजाने के सिवाय और कुछ आता भी है? हाँ? पिछले 50 सालों से तुम लोग तालियां ही बजा रहे हो। तालियां बजा बजा के सारे देश का ताल बिगाड़ दिया है। बदतमीज, खामोश। चलो हमारी जेल में, हम ऐसी ताली बजाएंगे, तुम्हारी ऐसी ताली बजाएंगे कि जिंदगी भर सिर्फ ताली बजाने के लायक रहोगे। चलो अटेंशन। माँ, किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं हम लोग? जेलर जेल सिंह के खानदान में पैदा होने की। बहू देखो,
1975 में हमारी जेल से भागे हुए दो लफाड़िए जय और वीरू को आज हम पकड़ कर लाए हैं। दादाजी ये जय और वीरू नहीं, डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र हैं। खामोश, ये दोनों कैदी हैं, दोनों काल कोठरी में जाएंगे। नहीं साहब, हम वो नहीं हैं। जो आप समझ रहे हैं, हम तो डुप्लीकेट हैं, मिमिक्री कलाकार। लेकिन हम ओरिजिनल हैं, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। अंदर अंदर, लेफ्ट डोर, ओपन द डोर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, आउट। हमारी जेल से भागना नामुमकिन है। कल सुबह तुम दोनों कबूतरों को बसंती के तांगे में डालकर रामगढ़ ले जाऊंगा और अपने माथे का दाग हमेशा के लिए मिटाऊंगा। यार वीरू, ये कहाँ आके फंस गए? यार ओरिजिनल लॉन्ग की सजा हम डुप्लीकेटों को क्यों मिल रही है? यार कल अपना नागपुर में शो भी है। अरे हाँ यार, अगर समय पर नहीं पहुँचे तो शो ऑर्गेनाइजर ओपी सिंह बहुत मारेगा। यार कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ एक मिनट। हे भगवान, हाय राम, ये क्या हो गया? हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये दोनों भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? हाय राम। रो रही है? अरे क्या हुआ गबरी, चिल्ला क्यों रही, रो क्यों रही है? अरे तुम तो नाइट ड्यूटी पर गए थे, वो दोनों हमें लुट के चले गए। वो दोनों? कौन दोनों? तुम्हारे बापू ने जय और वीरू को अंदर बंद कर रखा था, वो दोनों घर का सारा सामान लेकर भाग गए। क्या? हवलदार के घर में चोरी? बापू, बापू, क्या हुआ बे? वो दोनों भाग गए जिनको तुम पकड़ के लाए थे। हाय, क्या फिर भाग गए हमारी जेल से? लानत है, लानत है। जेल से तो सस्पेंड हुआ था, लगता है इस घर से भी सस्पेंड होना पड़ेगा। नहीं, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं और हमेशा रहेंगे। हम आसानी से छोड़ने वाले नहीं, हार मानने वाले नहीं। सुनो जी, तो पुलिस में रिपोर्ट करो जी। खामोश, मेरी रही सही नाक भी कट जाएगी। हट, तुम चुपचाप अंदर जाओ। पुलिस में रिपोर्ट कर दो, पुलिस वाला तो मैं हूँ।